जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले मोटोरोला एज 40 के बारे में भाई, जो कि इंडिया में इतना मस्त प्राइजिंग और इतना झकास एसिफिकेशन के साथ आता है, कुछ कहने लायक ही नहीं भाई। जो कि प्राइजिंग जानते कितना है, 29,999 रुपये, और जो कि ऑफ़र लगाते तो 28,000 रुपये में हो जाता है भाई। तो भाई साहब ऑफ़र वाली बात छोड़ते हैं, जो कि 30,000 में आता उसके बारे में बात करते हैं, मेन एसिफिकेशन से बात करते हैं भाई साहब। जैसे कि IP68 रेटिंग के साथ आता है, जो कि पानी में आप लोग डुबा सकते हैं भाई, लेकिन यह चीज़ को जैसे कि कितना मिनट के लिए डाल सकते, कितना मीटर अंडर डाल सकते, इसके बारे में जो कि नहीं बताया गया मोटोरोला की तरफ से, यह चीज़ हो गया भाई। और इसमें जो कि इस प्राइस में जो कि OIS आता है भाई, और मेटल फ्रेम आता है भाई, जो कि इस प्राइस रेंज में जो कि कोई नहीं देता है, ना वायरलेस चार्जिंग देता है। भले सैमसंग ऑफर में दे दे, ऐसे फ़ोन तो 50-60 हज़ार में लॉन्च करता है, लेकिन 30,000 के प्राइस में जो कि यह सब चीज़ देना भाई इम्पॉसिबल है भाई चाइनीज स्मार्टफोन की तरफ से भाई। तो कर्व डिस्प्ले तो भाई आज के डेट में आम बात हो चुका है भाई, हमको लग रहा है हर घर में कर्व डिस्प्ले के नारा लगवाने वाले हैं, मतलब दीवाने वाले हैं इंडियन ब्रांड और अमेरिकन ब्रांड भाई साहब। लग रहा है लावा वाला 20,000 में लेकर आता है, तो समझ सकते कितना कम प्राइस में अब कर्व डिस्प्ले आता है भाई, जो कि इस प्राइस रेंज में जो कि रेजुलेशन तो पता होगा कि फुल HD आता है भाई, जो कि PoLED के साथ आता है, तो AMOLED से थोड़ा सा बेहतर समझ सकते हैं, जो कि सेम टू सेम होता है। और इसमें रिफ्रेश रेट जानते कितना है, 144 Hz के साथ आता है भाई, जो कि इस प्राइस रेंज में कोई नहीं लेकर आता भाई साहब। और प्रोसेसर से बात रहा परफॉर्मेंस से, तो मीडिया टेक का जो कि 8020 के साथ आता है, जो कि इंडिया का नहीं दुनिया का फर्स्ट फोन है भाई। तो इसका परफॉर्मेंस आप लोग जैसे कि मीडिया टेक डायमेंसिटी 1200-1300 परफॉर्मेंस के समझ सकते हैं, इसका प्रोसेसर है भाई। तो परफॉर्मेंस कोई हाई नहीं है, कम है भाई, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है भाई। और रैम स्टोरेज जो कि LPDDR4X आता है, UFS 3.1 आता है, क्योंकि रैम इसमें LPDDR4X देने का प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए LPDDR4X दिए हैं भाई साहब। लेकिन 8256 मिलता है इस प्राइस रेंज में भाई, जो कि काफ़ी सारे दे रहे हैं, या कोई नया नहीं दे रहा है। पोको वाले भी दे रहे हैं 8256 भाई, जो कि इससे ज़्यादा ही बेहतर है, लेकिन यहाँ पर समझ सकते कितना बेहतर चीज़ें मिल रहे हैं भाई, जो कि 68W चार्जिंग मिल रहा है। तो इस प्राइस रेंज में जो कि आप लोग समझ सकते हैं वायरलेस, जो कि 15W तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के बारे में नहीं पता है भाई, और इसमें प्रोटेक्शन के बारे में कुछ खास पता नहीं है भाई। तो प्रोटेक्शन के लिए भाई नथिंग समझ सकते हैं। और जो कि साइड में आप लोग को अल्मीनियम फ्रेम मिलता है भाई, और जो कि पीछे कोई ग्लास बैक नहीं मिलता है भाई, इसमें आप लोग को प्लास्टिक बैक के साथ आता है, और एक फोन आता है ग्रीन कलर का, उसमें लेदर फिनिश के साथ आता है। और इस प्राइस रेंज में आप लोगों को पता है ई सिम के साथ आता है भाई, जो कि कोई नहीं देता भाई ई सिम। तो आप लोग इसमें सिंगल सिम और समझ सकते हैं ई सिम लगा सकते हैं, तो जिसको ई सिम का मज़ा लेना है भाई ले सकते हैं, वाटर प्रूफ का मज़ा लेना है इस फोन को लेकर ले सकते हैं भाई। बाकी फ़ोन तो काफ़ी तगड़ा भाई, जो कि इस कंपटीशन को ही किल कर दिया भाई, जो कि चाइनीज स्मार्टफोन भाई गजब बेइज्जती है भाई। जो कि फ़ोन को लोगों को खरीद लेने दीजिए, तब पता चल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ आज तो भाई टेक यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा जो कि बड़ाई कर चुके, क्योंकि भाई प्राइजिंग के साथ साथ एसिफिकेशन भी तगड़ा है भाई। और इसमें कैमरा जो कि जानते कितना, 50 MP विथ OIS के साथ, और जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल 8 MP नहीं दिया भाई, जो कि चाइनीज ब्रांड के तरह भाई, जो कि 8 MP थमा देते नहीं, यहाँ पर 13 MP के साथ आता है भाई, जो कि तगड़ा है भाई। और बेकार सा कोई एक दो सेंसर और नहीं देती है 2-2 MP के, तो भाई मस्त है। और सेल्फी जो कि 32 MP के साथ आता है, तो इस फोन में आप लोग 4K में सेल्फी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं भाई साहब, बैक में तो डिफरेंट ही कर सकते हो, OIS होने के चलते आप लोग को बेहतर वीडियोग्राफी कर सकते हैं भाई साहब। तो बहुत ही अच्छा आता फ़ोन भाई, जो कि फ़ोन को हाथ में लेने के बाद ही, एक्सपीरियंस करने के बाद ही बता सकते हैं। तो भाई कोई लेता फ़ोन मेरा दोस्त भाई, तो ज़रूर से आप लोग को एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, नहीं लेता भाई तो वीडियो बना ही के बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताना है कैमरा के बारे में, जैसे कि इस कैमरा में 1.4 एपर्चर के साथ आता है, तो भाई अपर्चर का मतलब जैसे कि कम लो लाइट में भाई, जो कि आप लोग बेहतर फोटोग्राफी और बेहतर वीडियोग्राफी ले सकते हैं, जितना कम अपर्चर उतना ज़्यादा लाइटिंग को कैप्चर करता है।
तो इस चीज़ में जो कि एक फ्लैक्सिब लेवल का फ़ोन है भाई, जो कि फ्लैक्सिब लेवल का केवल प्रोसेसर नहीं दिया गया है, बाकी सब कुछ फ्लैक्सिब है। जो कि डिस्प्ले से देख सकते हैं, कर्व डिस्प्ले तो भाई आज के डेट में आम बात हो चुका है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो कि हर एक चीज़ जो कि सेंसर होना चाहिए है, 14 GB 5G बैंड से भाई। और आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करके वीडियो को लाइक करें, नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को चाहते हैं तो जरूर से शेयर करें जिसको फ़ोन लेना है उनको। और बाकी पर्सनल है तो भाई इंस्टाग्राम कुछ भी पूछना तो कमेंट करें। बाकी चलिए अगले वीडियो मुलाकात होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।